उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की कांस्य प्रतिमा से अचानक बूंद बूंद पानी टपकने लगा है। यह पानी कहां से और कैसे आ रहा है, इसका किसी को भी कुछ पता नहीं है। लोगों में भी इसे लेकर कौतूहल है। ये मूर्ति चंद्रशेखर आजाद पार्क में लगी हुई है, जिसे अल्फ्रेड पार्क के नाम से भी जाना जाता है। जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है एक बड़ी अद्भुत है, मिरेकल कह सकते हैं इसे, क्योंकि इस मूर्ति के भीतर से जहाँ पे कोई पानी टपकने का या पानी का कोई संसाधन नहीं है, वहाँ से पानी टपक रहा है। ये सोचने का विषय है, समझने का विषय है, साइंटिफिक वे में सोचने का विषय है कि ना तो बरसात का मौसम है, ना इस मूर्ति को नहलाया गया है, फिर भी इसमें पानी टपक रहा है। ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, ये सोचने के लिए कि ये पानी आ कहां से रहा। प्रतिमा कांसे की धातु से बनी हुई है, जो खोखली है। दाहिने पैर के सामने धोती की परत से यह पानी कुछ कुछ देर में गिर रहा है। जिस जगह पानी की बूंदें बन रही हैं, उसके आसपास मेटल के रिएक्शन से उसका रंग भी हल्का नीला और हरा हो गया है। इसको मैं पहली बार देखा तो आदमी लोगों को बता रहा था, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बोल रहे थे ठंड का समय चल रहा है, ओस गिरती है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन हमने डीएम साहब को एक पत्र लिखा कि आज़ाद जी के स्टेचू से नेचुरल जल गिरता है और आप इसकी जांच कराएं, और फिर डीएम साहब का आदेश आया है और यूनिटेक इनटेक कंपनी इसकी बहुत जल्द 2-3 दिन में आ रही है, जांच करेगी। ये तो बड़ा आश्चर्यजनक कि हम तो लगभग ये मूर्ति जब से लगी, ये बदली गई और बड़ी मूर्ति लगी, आज कम से कम हो रहे हैं 30 साल हो रहे हैं लगभग, और ये मूर्ति पहली बार देख रहे हैं कि इसमें पानी टपक रहा। पानी कोई सोर्स नहीं है, कांसे की मूर्ति है और उसके आज इसमें एक करीब करीब वही आधा मिनट एक मिनट के एक बूंद तैयार होती है और वो टपकती है। ये कंटिन्यू चल रहा है, ये सब पता चला तो हम आश्चर्यजनक घटना को देखने आए कि आज़ाद जैसा महान व्यक्तित्व सहित जो प्रयाग की पहचान है और उसमें मूर्ति है, तो इसका क्या है, ये तो ईश्वरी शक्ति और ताकत समझ में आ रही है। पिछले कुछ दिनों में बारिश भी नहीं हुई है और तापमान बढ़ने से ओस की भी संभावना नहीं दिखती। जिस जगह से पानी टपक रहा है, उस जगह से प्रतिमा चटकी हुई दिख रही है। फिलहाल जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर पानी कहां से आ रहा है। प्रतिमा लगभग 4.5 फुट जमीन से ऊपर स्थापित है।